देश में हो रहे रेल हादसों को लेकर एक बड़ी खबर। क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के साथ हुई यानी डिरेल करने की? इस सवाल का जवाब अब यूपी एटीएस की कानपुर यूनिट कर रही है, क्योंकि 21 दिनों के अंदर कानपुर में यह दूसरी घटना है जब रेल की पटरी पर खतरनाक चीजें रखकर उसे पटरी से उतारने की साजिश रची गई। और इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि यूपी एटीएस के आईजी नीलाब चौधरी ने घटनास्थल का मुआयना किया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आईजी एटीएस स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल रात की घटना के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच के दायरे में अब जमात भी आया है। खबर है कि बिलौर के मकनपुर में हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह की मजार पर है देश विदेश से आने वाली जमातियों पर भी जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है, क्योंकि कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर की तहरीर के मुताबिक कल रात करीब 8:30 बजे रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा गया था जिससे ट्रेन के इंजन की टक्कर हुई थी। ड्राइवर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर मुआयना किया तो उसे सिलेंडर के अलावा बारूद और पेट्रोल भरी बोतलें और माचिस मिली हैं। रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस झाड़ियों के बीच जिस चीज को उलट पुलट कर देख रही है वो एलपीजी गैस का सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने जो सूचना दी वो गलत नहीं थी। एक्सप्रेस के ड्राइवर के मुताबिक इस सिलेंडर को बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर रेल की पटरियों पर रखा गया था जिसकी इंजन से भीषण टक्कर हुई थी। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर देखकर कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी थी और जब पुलिस मौके पर आई तो यहां सिर्फ सिलेंडर ही नहीं पेट्रोल से लेकर बारूद तक मिला। जिस जगह पर पुलिस को एलपीजी गैस सिलेंडर मिला था उससे कुछ दूरी पर सफेद थैले में मिठाई के डिब्बों में बारूद और पेट्रोल भरी बोतल थी जिसमें बत्ती लगी हुई थी। घटनास्थल पर खतरनाक मंसूबों के मिलने के बाद यूपी पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सबूतों का मुआयना कराया। कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है वो कोरिलेट करके और उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाए। पुलिस के मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस करीब 8:30 बजे कानपुर से फरुखाबाद की तरफ जा रही थी कि तभी ट्रेन के ड्राइवर ने पटरी पर वो सिलेंडर देखा था और इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की थी। वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। मौके पर पेट्रोल बारूद और गैस सिलेंडर मिलने के बाद यूपी पुलिस की आतंकवादी निरोधी शाखा को जांच में शामिल किया गया है और 5 टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। 2 हिस्ट्रीशीटर्स से भी पूछताछ की जा रही है। कानपुर में रेलवे के खिलाफ ये बड़ी साजिश बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे पहले भी गोविंदपुरी स्टेशन से रेल की पटरी पर एक गार्डर रखकर पटना से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस को पलटने की साजिश की गई थी। इस हादसे में ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अभी उस हादसे की जांच चली रही है कि 21 दिन बाद एक बार फिर कानपुर फरुखाबाद रेलवे लाइन पर कालिंदी एक्सप्रेस को भी पलटने की साजिश की गई है। सिमर चावला, कानपुर आज तक। तो कानपुर में रेल की पटरियों पर जिस जगह पर यह साजिश हुई थी उस जगह जांच एजेंसियों की टीम कल रात से ही जांच पड़ताल कर रही है। रात की तफ्तीश के बाद अब दिन में भी उसकी जांच चल रही है। हमारे संवाददाता सिमर चावला मौके पर, उन्होंने क्या देखा दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट।
अर्पिता, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाए तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों की जान लेने की मंशा से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौके से मैं आपको बता दूं कई एक्सप्लोजिव मिले हैं जिसमें बारूद है, पेट्रोल है और माचिस है, साथ ही साथ LPG का भरा सिलेंडर था जो ट्रेन से टकराया और टकराने के बाद 50-60 मीटर जो है पीछे ट्रैक से अगर आप देखेंगे तो घसीटता हुआ ट्रेन के साथ आया और इस क्राइम सीन पर जाकर गया। आप देखेंगे यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे घटनाक्रम जहाँ पे हुआ इसको सील किया हुआ है, यहाँ पे साक्ष्य जुटाने का काम किया है। फिलहाल मौके पे आप देखेंगे तो RPF और अन्य पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मौके पे ATS, IB और अन्य एजेंसीज भी हैं जो लगातार पूछताछ कर रही हैं। मैं आपको बता दूं फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है, हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ जिस झोले में ये पूरे एक्सप्लोजिव मिले वो जिस मिठाई की दुकान का है वहां पर जाके पुलिस ने CCTV फुटेज जुटाने का काम किया है। जो माचिस मिली है उस ब्रांड के आधार पर पुलिस ये पता लगा रही है कि वो माचिस किस एरिया में सबसे ज्यादा बिकती है। वहां पर अगर कोई उनके पास साक्ष्य निकलने पाएंगे तो उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। 5 टीम्स लगाई गई हैं जिसमें LIU की भी टीम है, SWAT की भी टीम है और जिनको जांच में लगा दिया गया है। और ये बड़ी घटना है, मैं आपको बता दूं इस बड़ी घटना में पुलिस रेलवे के साथ ATS और IB की टीम मौके पर पहुंच के जांच कर रही है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, यही वो पटरी है, कल शाम को 8:30 बजे का वक्त था जब यहाँ पर ट्रेन आ रही थी और सामने है सिलेंडर पड़ा हुआ था। ट्रेन सिलेंडर से टकराती है जिसके बाद 50 मीटर तक जो है सिलेंडर घसीटता है। मैं आपको दिखा दूं कि कुछ निशान भी है यहाँ पे ट्रैक के, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर के घसीटने के निशान है। सीधा रुख करेंगे सिमर चावला का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमर, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर जमात पर शक क्यों जा रहा है, इस शक के पीछे वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि ये जो कानपुर की घटना है जो कि आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रही है जिसके लिए ATS भी अब जांच कर रही है। पुलिस कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहती है, पुलिस का साफ कहना है कि हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं क्योंकि हमने 5 टीमें भी लगाई हैं, आरोपियों को हम उठा भी रहे हैं, जो संदिग्ध हैं उनसे हम पूछताछ भी कर रहे हैं। तो एक एंगल पुलिस ने खुद ये बताया क्योंकि जहां पे ये पूरा हादसा हुआ उससे कुछ ही किलोमीटर दूर बिल्हौर में एक मजार है जहां पर देश भर से जो जमाती हैं वो आते हैं वहां पर। पुलिस ने अपने पुराने इनपुट्स के आधार पर और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से जो पूछताछ करी है उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये टिप मिला होगा जिसके आधार पर पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला कि इन जमातियों से भी हम पूछताछ करेंगे और पता लगा रहे हैं हमारी टीम की कौन कौन कब आके रुका है इस एरिया में। तो कुछ में से कोई जिसकी मूवमेंट नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो इस तरीके की चीजें पुलिस के लिस्ट में है जिसको वो फिलहाल पहले को छोड़ना नहीं चाहती है, लगातार जांच कर रही है। किसी भी तरीके आपकी मौजूदगी थाने में और वो जो सिलेंडर है वो भी तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या वो भरा हुआ सिलेंडर था या पुलिस क्या कह रही है? आपको आज तो सबसे पहले तस्वीरें दिखाने पाऊंगा, ये UT-32 की जो आप गाड़ी देख रही है ATS IG मिलाप्रा चौधरी की गाड़ी है जो अंदर फिलहाल पुलिस वालों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। यहाँ पर तमाम गाड़ियां जो है वो यूपी से आई हैं, कोई ATS की है, कोई IB की है। फिलहाल अगर आप देखेंगे थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ, यही वो सिलेंडर है जो आप अभी अपने विजुअल्स में देखेंगे जो उस ट्रेन से टकराया और 100 मीटर तक तकरीबन घिसा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ये भरा हुआ सिलेंडर है, यहाँ पे पट्टी चिपकी हुई है। हालत अगर आप इसकी देखें तो किस तरीके से डैमेज हुआ है, ये इतना तेज इंपैक्ट था गाड़ी से लड़ा कि भरा हुआ सिलेंडर जो है इतना डेंट है वो खाया हुआ है, पूरा तरीके से ये मुड़ गया है इसकी पूरी बॉडी। इसको यहाँ पे एविडेंस के तौर पर फिलहाल रखा गया है जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम करके दे चुकी है और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल समझा जा सकता है कितनी जबरदस्त टक्कर है। सिमर, नजर बनाकर रखिएगा और सिलेंडर की हालत भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन हर एंगल से तफ्तीश जरूरी है और जो भी दोषी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि हजारों जिंदगियों का सवाल था और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का यह पूरा एक मंशा और सवाल था।